टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑन द एग्रोमेट्रोलॉजिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। तो फिर 2016 में ऐसी क्वेश्चन पूछा गया कि कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल डेप्थ ऑन ए वाटर शेड एरिया लोकेटेड इन द गंगेटिक प्लेन जोन, ओके, बाय आइसोइटिकल मेथोड विथ फॉलोइंग रेनफॉल डाटा। ठीक है, इसकी जो फॉलोइंग रेनफॉल डाटा दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक चैट दे दिया यहाँ पे, राइट। अब ऐसे यहाँ से ये नहीं करना पड़ेगा कि एवरेज रेनफॉल कितना है यहाँ का, ये कुछ कुछ एरिया बता दिया, ठीक है, हेक्टर में दे दिया और रेनफॉल दे दिया तुम्हारा मिलीमीटर में, ठीक है, उसी एरिया में तो बता दिया कि एवरेज रेनफॉल कितना है टोटल उसी एरिया के ऊपर, ए बी सी डी ई, ये पांचों मतलब एरिया के ऊपर कितना एवरेज रेनफॉल हुआ था, राइट। तो फिर हम लोग चले जाते हैं आंसर में। गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा में जैसे हम लोग को वो एक चैट दे दिया पांच जगह के ऊपर जितना भी रेनफॉल हुई है, ओके, मिलीमीटर में हुआ था रेनफॉल वो भी, और फार्मूला ऐसे यूज़ करेंगे कि एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू पी, एवरेज रेनफॉल को हम लोग पी के द्वारा डिनोट कर सकता हूँ, जहाँ पे पी इज इक्वल टू ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस ए थ्री पी थ्री, ऐसे करके चलते रहेगा, ओके, प्लस डॉट 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 अपन ए प्लस प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 मतलब एक्सेट्रा, ओके। तो यहाँ पे ए वन क्या है, ए वन है तुम्हारा एक कोई भी एक जगह की एरिया, और ए टू है तुम्हारा दूसरी और एक जगह की एरिया, और पी वन है तुम्हारा रेनफॉल ऑफ दिस ए वन एरिया, जो पहला एरिया था उसी एरिया में कितना रेनफॉल हुआ था इन मिलीमीटर में, और पी टू है तुम्हारा दूसरी जगह के ऊपर मतलब रेनफॉल इन ए टू एरिया, ओके, इन मिलीमीटर में, ओके। अब सॉल्यूशन में ऐसे देख लेते हैं हम लोग कि एवरेज रेनफॉल पी इज इक्वल टू ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू अपन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ऐसे करके चला जाएगा, और तो पी इज इक्वल टू 450 इंटू 180 450 इंटू 180 ऐसे इसीलिए किया क्योंकि फार्म ये जो जगह है, ठीक है, रेन गॉज में जो ये एक ही जो पार्ट आया था वो पार्ट 445 हेक्टर एरिया के ऊपर कितना 180 मिलीमीटर रेनफॉल के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि 450 गुना 180 प्लस 525 525 मल्टीपल 210.60, ठीक है, जैसे डाटा दे दिया नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ऐसी करके मल्टीपल प्लस और प्लस करना पड़ेगा, ओके। तो क्लास करने के बाद नेक्स्ट पे एरिया देखे डिवाइडेड करेंगे जितना भी सारी एरिया लिया था, जैसे 450 525 और 435 और 360 और 540, ठीक है, ये सारी, और तो निकल आएगा तुम्हारा यहाँ पे 190.86 मिलीमीटर, ओके। तो एवरेज रेनफॉल कितना है उसी पांच जगह के ऊपर 190.86 मिलीमीटर। अगली क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कि कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल डेप्थ ऑन ए वाटर शेड एरिया व्हिच लाइज इन द मिडिल गंगेटिक प्लेन जोन बाय थिसन प्लाइगन पॉलीगन मेथोड विद द फॉलोइंग रेनफॉल डाटा, ठीक है। तो ऐसी कुछ जगह के ऊपर, जैसे कितना जगह है यहाँ पे पांच, ठीक है, फाइव प्लेस के ऊपर ऐसी एक वहाँ की एरिया और वहाँ की मतलब रेनफॉल मिलीमीटर में दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि एवरेज रेनफॉल कितना हुआ था उसी पांच जगह के ऊपर, ठीक है। अब देखो जो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा हम लोग जो छक में दिया जाएगा वही लिख देंगे, ठीक है, उसके बिना और यहाँ पे गिवन डाटा कुछ हो ही नहीं सकता। और फार्मूला ये ऐसा है कि एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, जहाँ पे ए वन है तुम्हारा एरिया नंबर वन, पहला एरिया एरिया की जो वैल्यू है हेक्टर में होना चाहिए, और ए टू एरिया टू मतलब दूसरी वाली जगह के ऊपर, और पी वन है तुम्हारा टोटल रेनफॉल इन मिलीमीटर फॉर एरिया नंबर वन, एंड पी टू इज इक्वल टू होता है तुम्हारा टोटल रेनफॉल इन एरिया नंबर टू, ओके।
मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू ए वन प्लस ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस डॉट 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 अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ओके एक्सेट्रा, ऐसे चला जाएगा। जहाँ पे देखो कि ऐसा है कि पी पी इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा कितना आएगा, तीन मतलब एक के बाद एक मतलब मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वो चीज़ काट गया, ठीक है, तुम लोग सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दे रहा हूँ कितना है तुम्हारा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3430 गुना 180 प्लस 515 गुना 165.5, और तीसरा है तुम्हारा 445 गुना 220, ओके। उसके बाद आएगा तुम्हारा 360 गुना 175.5, और आएगा तुम्हारा 550 550 मल्टीपल 225, ओके। ये सारी चीज़ को अगर मल्टीपल प्लस और ऐड अगर कर दिया जाए, करने के बाद जितना भी सारी एरिया दे दिया, कितना कितना एरिया है 430 515 और 445 360 और इधर जो तुम्हारा 550, ओके। तो ये सारी अगर ऐड कर दिया जाए तो ऐसा निकल आएगा कि 190.6 मिलीमीटर, ओके। तो उसी 5 जगह के ऊपर ऐसा हुआ था, मतलब रेनफॉल हुआ था कितना 192.6 मिलीमीटर, ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में कि कोई भी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर, स्पेसिफिक जगह के जगह में क्या दे दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो फारेनहाइट स्केल में कितना आएगा, ओके। नहीं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दे दिया तो सेंटीग्रेड में कितना आएगा, ऐसे पूछ सकता है हमेशा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला है कि हम लोग जानते हैं कि सी डिवाइडेड बाई 100 हंड्रेड इज इक्वल टू 1 - 32/180, ठीक है। जहाँ पे सी हम लोग जानते हैं जो सेंटीग्रेड स्केल है वो हमेशा 100 मैक्सिमम 100 रेंज तक होता है, और जो फारेनहाइट स्केल है वो होता है तुम्हारा 180 तक, 100 मतलब 80 रेंज तक होता है, मतलब 32 से लेके 212 तक होता है, ठीक है। तो उसी के बीच में कितना डिस्टेंस डिफरेंस कितना है तुम्हारा 180, ठीक है। तो इसीलिए 32 को माइनस किया गया है यहाँ पे। अब देखो कि सी माइनस सी डिवाइडेड बाई 10, अगर दोनों की तरफ से अगर 0 0 काट देंगे तो सी बाई 10 इज इक्वल टू 1 - 32/18 आएगा, राइट। और सी बाई 10 इज इक्वल टू 1 - 32/18 के मतलब ये भी ऐसे करके लिख सकता हूँ कि सी बाई 5 इज इक्वल टू 1 - 32/9, राइट। तो सी इज इक्वल टू 5/9 फर्स्ट ब्रैकेट 1 - 32, ओके। ये एक फार्मूला है, और दूसरी बार एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हो कि कि एफ सी बाई 5 इज इक्वल टू 1 - 32/9, ठीक है। तो 9/5 सी इज इक्वल टू 1 - 32, तो 9/5 इंटू सी ब्रैकेट क्लोज कर दो प्लस 32, ओके। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग कि 9/5 फर्स्ट ब्रैकेट सी प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एफ, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सी की वैल्यू जो है वो सिर्फ 9/5 के साथ ही मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। 32 के साथ 32 के साथ ऐड होने के बाद मल्टीपल नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, राइट। तो 9/5 सी मल्टीपल सी प्लस 32, ठीक है, इजिकल टू एफ। अब देखो कि जब सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा और तुमको दे दिया फारेनहाइट में, तो तब हम लोग पहला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, जैसा है सी इजिकल टू 5/9 फर्स्ट ब्रैकेट में 1 - 32, और अगर मान लो सेंटीग्रेड में दे दिया उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं तो फारेनहाइट में निकलना चाहिए, तो 9/5 सी प्लस 32 इसी फार्मूला में निकलना पड़ेगा, दूसरी फार्मूला में, राइट। अब देख लेते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तुमको दे दिया तो फारेनहाइट स्केल में उसका रेंज कितना आएगा, राइट। अब देखो कि फारेनहाइट स्केल में निकालने की तरीका हम लोग ये जानते हैं कि 9/5 सी प्लस 32 इजिकल टू एफ फारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखो 9/5 की जगह मल्टीपल सी की जगह से हम लोग कितना दे दिया 37 दे दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कैलकुलेशन कर लें तो कितना आएगा, एफ इजिकल टू 98.6, एक ही हिसाब से 98.6 अगर फारेनहाइट देते तो सेंटीग्रेड में ऐसे करके कन्वर्ट कर सकता हूँ कि सी इजिकल टू 5/9 1 - 32
और ये 5/9 ब्रैकेट क्लोज करो, ये कितना है 98.6 माइनस 32। अगर इस स्टेप बाई स्टेप अगर कैलकुलेशन करते करके आए तो कितना आएगा, सीधी कट आएगा, तो मैंने 37 डिग्री, राइट। अब रिजल्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉन्वर्ट इनटू फारेनहाइट स्केल विथ कितना 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। जहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और दूसरी में है कि 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट जिस जगह की टेम्परेचर है उसी जगह के ऊपर, नहीं तो उसी चीज़ के ऊपर सेंटीग्रेड स्केल में कितना टेम्परेचर आएगा, तो आएगा तुम्हारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, थैंक यू। और हाँ, इसी सब्जेक्ट के ऊपर और भी एक टाइप की न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन के वजह मतलब थोड़ा दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसी की और पेपर में आने वाला है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी जितना भी मिली है उतना ही अपलोड कर देते हैं, तो वो मैंने सॉल्यूशन तुम लोग को जरूर मिल जाएगा और तुरंत लेके आएंगे हम, ठीक है। और अगर ना भी अगर वीडियो भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में कि कोई भी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर, स्पेसिफिक जगह के जगह में क्या दे दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो फारेनहाइट स्केल में कितना आएगा। ओके, नहीं तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दे दिया तो सेंटीग्रेड में कितना आएगा, ऐसे पूछ सकता है हमेशा, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला है कि हम लोग जानते हैं कि सी डिवाइडेड बाई 100 इजिक्वल टू 1 - 32/180, ठीक है। जहाँ पे सी हम लोग जानते हैं जो सेंटीग्रेड स्केल है वो हमेशा 100 मैक्सिमम 100 रेंज तक होता है, और जो फारेनहाइट स्केल है वो होता है तुम्हारा 180 तक, 100 मतलब 80 रेंज तक होता है, मतलब 32 से लेके 212 तक होता है, ठीक है। तो उसी के बीच में कितना डिस्टेंस डिफरेंस कितना है तुम्हारा, 180, ठीक है। तो इसीलिए 32 को माइनस किया गया है यहाँ पे। अब देखो कि सी माइनस सी डिवाइडेड बाई 10, अगर दोनों की तरफ से अगर 0 0 काट देंगे तो सी बाई 10 इजिकल टू 1 - 32/18 आएगा, राइट। और सी बाई 10 इजिकल टू 1 - 32/18 के मतलब ये भी ऐसे करके लिख सकता हूँ कि सी बाई 5 इजिकल टू 1 - 32/9, राइट। तो सी इजिकल टू 5/9 फर्स्ट ब्रैकेट 1 - 32। ओके, ये एक फार्मूला है। और दूसरी बार एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हो कि एफ सी बाई 5 इजिकल टू 1 - 32/9, ठीक है। तो 9/5 सी इजिकल टू 1 - 32, तो 9/5 इंटू सी ब्रैकेट क्लोज कर दो +32। ओके, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग कि 9/5 फर्स्ट ब्रैकेट सी +32 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू एफ, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सी की वैल्यू जो है वो सिर्फ 9/5 के साथ ही मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। 32 के साथ 32 के साथ ऐड होने के बाद मल्टीपल नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, राइट। तो 9/5 सी मल्टीपल सी +32, ठीक है, इजिकल टू एफ। अब देखो कि जब सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा और तुमको दे दिया फारेनहाइट में, तो तब हम लोग पहला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, जैसा है सी इजिकल टू 5/9 फर्स्ट ब्रैकेट में 1 - 32। और अगर मान लो सेंटीग्रेड में दे दिया उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं तो फारेनहाइट में निकलना चाहिए, तो 9/5 सी +32 इसी फार्मूला में निकलना पड़ेगा, दूसरी फार्मूला में, राइट। अब देख लेते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तुमको दे दिया तो फारेनहाइट स्केल में उसका रेंज कितना आएगा, राइट। अब देखो कि फारेनहाइट स्केल में निकालने की तरीका हम लोग ये जानते हैं कि 9/5 सी +32 इजिकल टू एफ फारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखो 9/5 की जगह मल्टीपल सी की जगह से हम लोग कितना दे दिया, 37 दे दिया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कैलकुलेशन कर लें तो कितना आएगा, एफ इजिकल टू 98.6। एक ही हिसाब से 98.6 अगर फारेनहाइट देते तो सेंटीग्रेड में ऐसे करके कन्वर्ट कर सकता हूँ कि सी इजिकल टू 5/9 1 - 32, और ये 5/9 ब्रैकेट क्लोज करो, ये कितना है 98.6 - 32। अगर स्टेप बाई स्टेप अगर कैलकुलेशन करते करके आए तो कितना आएगा, सी डी कट आएगा तो मैंने 37 डिग्री, राइट।
अब रिजल्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉन्वर्ट इनटू फारेनहाइट स्केल विथ कितना 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, जहाँ पे सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और दूसरी में है कि 98 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट जिस जगह की टेम्परेचर है उसी जगह के ऊपर, नहीं तो उसी चीज़ के ऊपर सेंटीग्रेड स्केल में कितना टेम्परेचर आएगा, तो आएगा तुम्हारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, थैंक यू। और हाँ, इसी सब्जेक्ट के ऊपर और भी एक टाइप की न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन के वजह मतलब थोड़ा दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसी की और पेपर में आने वाला है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी जितना भी मिली है उतना ही अपलोड कर देते हैं, तो वो मैंने सॉल्यूशन तुम लोग को ज़रूर मिल जाएगा और तुरंत लेके आएंगे हम। ठीक है, और अगर ना भी अगर वीडियो भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।